आप में से बहुत से लोग हैदराबाद ज़रूर गए होंगे। हैदराबाद जाने के बाद आपने वहाँ की बिरयानी ज़रूर खाई होगी। वहाँ की बिरयानी लाजवाब है, वर्ल्ड फेमस है हैदराबाद की बिरयानी। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँ कि वहाँ पर एक ऐसा नगर भी है, एक ऐसी सिटी भी है जहाँ जाने से लोग डरते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आज की जो स्टोरी है वो रविंद्र नगर के बारे में होने वाली है, जहाँ पर एक लड़का अशोक किस तरह की चीज़ें फेस करता है, इस बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अशोक हाल ही में हैदराबाद आने वाला था और वो होटल में रुकने के बजाय अपने एक दोस्त प्राची के घर पर रुकने का तय करता है। तो प्राची को कॉल करता है और बताता है, मैं हैदराबाद आने वाला हूँ तो मैं 2-3 दिन तुम्हारे घर पर रुकने वाला हूँ। तो प्राची उसे कहती है, हाँ ठीक है आ जाओ। जैसे ही प्राची आगे की बात बोलने लगती है उसी वक्त अशोक फ़ोन कट कर देता है। और जैसे ही अशोक फ़ोन कट कर देता है तो प्राची को थोड़ी चिंता होने लगती है कि इसने फ़ोन कट कर दिया। तो प्राची उसे दोबारा कॉल कर दिया, लेकिन कॉल जो है वो इनरीच आ रहा था, मतलब शायद वो निकल गया होगा या फिर नेटवर्क का इशू होगा। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो वो सीधा प्राची के घर हैदराबाद पहुँचा तो वो प्राची के घर चला जाता है। प्राची उसे बोलती है, अशोक जब मैं तुम्हें फ़ोन पर एक बात बताने वाली थी तभी तुमने फ़ोन काट दिया। चलो उस वक्त नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अब एक बात बताती हूँ, तुम इस नगर में कभी भी शाम 6 बजे के बाद घूमना मत। यहाँ पर एक आत्मा घूमती है जो कि लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती अगर 6 बजे के बाद वो रात को बाहर घूमती है। तुम हमेशा देखोगे कि ये नगर खाली ही रहता है 6 बजे के बाद। तो अशोक काफ़ी उस बात को लाइट ले लेता है और उसे हंसी में उड़ा देता है। वो कहता है, क्या प्राची तुम भी ऐसी बातों पर विश्वास रखती हो, तुम्हें पता है भूत भूत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो प्राची उसे कहती है, चाहे जो हो जाए तुम मानो ना मानो, लेकिन तुम शाम 6 बजे से पहले घर पर आ जाने चाहिए। और अशोक जो था वो मेनली एक फिल्म एडिटर का काम करता था, तो इसीलिए वो रामूजी फिल्म सिटी में आया था एक फिल्म एडिट करने के लिए। तो इसीलिए वो उसका काम जो है वो फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होती है कि क्रिएटिव वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क होता है, तो इसकी वजह से वक्त का पता नहीं चलता। वैसा ही कुछ होता है अशोक के साथ। अशोक एक दिन काम करते करते इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम के 6 बज गए, 7-8 बज गए थे, तब भी उसे कोई पता नहीं चलता कि टाइम क्या हुआ है। तो फिर उसे उसकी नज़र जो है वो घड़ी पर जाती है और उसे दिखता है कि रात के 8:30 बजे हुए। तो वो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से पैक करता है और एक ऑटो करके उस नगर की तरफ चला आता है, रविंद्र नगर की तरफ चला आता है। तो ऑटो वाला जो होता है रिक्शा वाला, वो कहता है कि सर मैं इस रविंद्र नगर के आगे नहीं जाने वाला, यहाँ से आपको खुद पैदल ही जाना होगा। तो वो कहता है, भाई क्यों, लेकिन यहाँ से आगे क्यों नहीं ले सकते, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। वो कहता है, साहब आप मुझे कितना भी पैसा दे दो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, लेकिन रिक्शा इस नगर के अंदर नहीं ले जाऊँगा। तो अशोक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कहता है ठीक है। अशोक चलने लगता है उस नगर में अकेला ही। उसे सडनली प्राची की बात याद आती है कि प्राची ने कहा था कि शाम 6 बजे के पहले घर आ जाना और अभी रात के 10 बज चुके थे, 10 से 10:30 बज चुके थे। तो अशोक को मन में वही बात चल रही थी और उसे किसी के कदमों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। अशोक काफ़ी डर जाता है और वो भागने लगता है। भागते 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 उसे सुनाई देता है कि वो आदमी भी उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसके कदमों की आहट भी तेज़ हो रही थी। तो अशोक काफ़ी डर जाता है और उसे एक दरवाज़ा खुला दिखता है, एक घर का दरवाज़ा खुला दिखता है और उस घर में घुस जाता है। उस घर का जो मालिक था वो भी डर जाता है कि भाई मेरे घर पर कौन आया, चोर वोर तो नहीं आ गया। तो इसीलिए वो आदमी भी डर जाता है। कुछ देर बाद उसके बीवी बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी डर जाते हैं। तो अशोक उन्हें सारी बातें बताता है कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मेरे पीछे एक आदमी लगा हुआ था और मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ काफ़ी सारी ऐसी आत्माएँ घूमती है, तो इसलिए मैं आपके घर में घुस गया। तो वो आदमी वहाँ का रहने वाला था इसलिए उस बात को समझ जाता है। वो अशोक को शांत करता है और कहता है, हाँ अशोक ऐसी घटना यहाँ पर अक्सर देखी गई है, तुम इस बात की टेंशन मत लो। तो वो कहता है, ठीक है मैं अभी प्राची को फ़ोन करके बुला लेता हूँ, यहाँ पर हम दोनों साथ ही चले जाएंगे। तो आदमी उसे कहता है, तुम अभी जिस जहन्नुम से निकल कर आया हो तुम अपने दोस्त को भी उसी जहन्नुम में डालना चाहते हो? मतलब वो अशोक बोलता है, मतलब मैं समझा नहीं। अरे तुम्हारे पीछे जो आदमी लगा था वो तुम्हारे दोस्त के पीछे नहीं लग सकता? तो वो आदमी कहता है, तुम आज की रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तो अशोक कहता है, हाँ ठीक है। अशोक एक जगह पर बैठ जाता है और वो पूरा परिवार उसे एक सोफे पर बैठ कर देखता रहता है। सारी रात वैसे ही चली जाती है।
और दिन होते ही अशोक अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तो अशोक कहता है, शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपने घर में पनाह दी, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो अशोक प्राची के पास चला जाता है और उसको रात की सारी स्टोरी बताता है। जैसे ही प्राची मतलब प्राची उसे देखती है तो उसे डांटने लगती है कि इतनी देर से तुम कहाँ थे, कितने फ़ोन ट्राई किए, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तुम कहाँ थे रात भर, तुम्हें कहा था 6 बजे से पहले घर आ जाओ। तो ऐसी सारी बातें उन लोगों के बीच होती है। तो अशोक सारी बातें उसे समझाता है और रात का हादसा भी बता देता है। तो प्राची कहती है, किस घर में रुके थे तुम? तो बोलता है, इसी गली का सबसे पहला जो घर है वहीं पर मैं रुका हुआ था, ये नंबर है उस घर का, यहाँ वो मतलब लोकेट है, लोकेशन बताता है, घर का नंबर बताता है। और प्राची कहती है, उस जगह पर कोई नहीं रहता, वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ घर है, वो खंडर है, 2 साल पहले वहाँ एक फैमिली ने आत्महत्या कर ली थी, तब से वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो अशोक कहता है, मैं पूरी रात भूतों के साथ रह कर आया। अशोक की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। अशोक मतलब सोच नहीं पा सकता कि उसको इतना ज़्यादा ट्रेस आता है। वो प्राची उसके लिए पानी लाती है और बोलती है, तुम शांत हो जाओ पहले, अब बताओ मुझे पूरी रात क्या हुआ। तभी अशोक सोचने लगता है और वो देखता है कि जो आदमी उसके पीछे लगा हुआ था और जिस आदमी ने उसके घर मतलब जिस आदमी के घर में वो घुसा था, तो उन दोनों का चेहरा सेम दिखाई दे रहा था। लेकिन रात की हड़बड़ी में वो कुछ सोच नहीं पाता और सीधा उसको बस अपनी जान की परवाह होती है, इसलिए वो उस बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे वो चेहरा मतलब दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो सुबह याद करता है तो वो चेहरा सेम था। अशोक ये देख कर काफ़ी डर जाता है और उसी दिन वो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध कर वापस दिल्ली चला जाता है। और उस दिन के बाद अशोक कभी भी हैदराबाद किसी कारण से नहीं आया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।